नमस्कार स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में मैं हूँ वैशाली चौधरी हरियाणा में जिस तरह की राजनीतिक गहमा गहमी चल रही है इस वक्त चाहे हम ये बात करें कि सरकार के दावे हैं कि किसानों के लिए जितने हितैषी भाजपा जजपा गठबंधन सरकार है उतनी इससे पहले कभी नहीं हुई वहीं दूसरी ओर लगातार विपक्ष की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि भले ही गठबंधन सरकार कितनी मर्जी दावे कर ले लेकिन सच्चाई ये है कि अब तक किसानों के लिए कुछ भी ऐसा हितैषी या हित का काम किया नहीं गया और उसके लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स लगातार पेश किए जा रहे हैं और अगर हम नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो इस बात को लेकर वो काफी मुखर हैं और अब उन्होंने क्या कुछ सोच, सोचा है आगे हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ नया आने वाला है तमाम सवालतों के साथ हम आ पहुंचे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास और उनसे हम जानेंगे उनकी आगे की प्लानिंग क्या है और सरकार के तमाम जो दावे हैं उस पर वो क्या सोचते हैं सबसे पहले उनका स्वागत बहुत बहुत स्वागत सर आपका सर 10 अक्टूबर से पहले तो आपको शुभकामनाएं 10 अक्टूबर से आप विपक्ष आपके समक्ष एक अभियान एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं थोड़ा सा हम पहले जानना चाहेंगे कि आपके उसके उस मुहिम के पीछे क्या योजना है और किस तरह से आप चलेंगे देखिए जब ये गठबंधन की सरकार बनी आज से दो साल पहले तकरीबन तो उस समय इन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे लोगों से जी। उनके मैनिफेस्टो देखो आप किसान के लिए बेरोजगारों के लिए मतलब बहुत ही दीदी ये वृद्ध पेंशन के लिए के पेंशन जी. के लिए हर वर्ग के लिए हर वर्ग के लिए अलग अलग वायदे किए थे और दो साल हो गए हमने कहा था भाई अच्छा काम करें करेंगे तो हम उनकी प्रशंसा करेंगे लेकिन दो साल के तक इन्होंने कुछ किया नहीं और हर वर्ग आज इनसे परेशान है और विमुख हो चुका है तो इस वास्ते दो साल तक मैंने कहा था देखते हैं समय दिया म ने भी शायद कुछ करें लेकिन लगता नहीं कुछ करेंगे नहीं। इस वास्ते इस सरकार की नाकाबियों को बेनकाब करना अच्छा और जनसंपर्क करना मतलब अपने साथियों के क्यों मेरे विधायक दल की मीटिंग हुई थी तो सबका ये विचार था कि विधानसभा के सेशन आएगा अब जी जी उससे पहले सब फीडबैक लेके आए अच्छा ठीक तो है वैसे मुद्दे मोटे मोटे पता है सबको लेकिन लोकलाइज्ड जो हैं वहाँ जाके पता लग जाएगा और पूरी जोश शोर से इसकी सरकार को विधानसभा में जो तो है एक्सपोज करेंगे बेनकाब करेंगे विफलता उजागर करेंगे क्योंकि ये सरकार विफल सरकार है जी 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 करनाल से आप क्यों शुरू कर रहे हैं क्या वजह है कि सीएम के गृह जिले से आपकी ये शुरुआत है नहीं कोई खास योजना लेकिन उनका गृह जिला तो नहीं है उनका ये निर्वाचन क्षेत्र हाँ, है निर्वाचन क्षेत्र है निर्वाचन क्षेत्र है हा, हा। जी जी और विधायक है वहाँ से हैं है विधायक विधायक से और करनाल एक इम्पोर्टेंट शहर है जी टी रोड पे मतलब इधर जाओ इधर जाओ तो एक जी, जी। ये है चारों तरफ संपर्क होता है और मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है इस वास्ते शुरुआत करनाल से ही फैसला किया विधायक दल ने वहाँ से शुरू करेंगे अच्छा उस वजह से आपने शुरुआत की आ, इस मुहिम के जरिए जैसे आपने कहा कि जन जन से जुड़ने का कहीं ना कहीं आपका आ, मतलब आपका जो ध्येय है आपका जो मोटिव है वो ये है आपको क्या लग रहा है कि क्या इसके जरिए आप असली मुद्दों से जुड़ पाएंगे वहां पर जाकर जैसे ने, आपने ने, क्यों, ने, क्यों, ने, उनकी जो जो उनकी समस्याएं हैं हाँ उनकी आवाज कौन बनेगा आवाज हम ही बनेंगे ना आज हरियाणा में विपक्षी जो है विधानसभा में तो कांग्रेस ही है विपक्ष में और तो जो दल हैं या तो उनके सहयोगी बन चुके हैं या उनका कोई विधायक ही नहीं है हाँ। तो विपक्ष में केवल अकेली कांग्रेस पार्टी है तो वो हमारी जिम्मेवारी है जो लोग आज परेशानी सह रहे हैं उनकी आवाज़ बने और इस सरकार को मजबूर करें जो वायदे किए हैं दो साल पहले वो पूरा करें अपना वायदा करें जी। किसान के आज बर्बादी हो रही है गरीब आदमी की बर्बादी हो रही है इस प्रकार से जो अपना कोई कोई इनका ध्यान नहीं है विकास ठप हो गया हरियाणा जो नंबर एक था प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवेश में आज फिसल गया अपनी जगह से आज कहीं उसका नंबर ही नहीं बेरोजगारी में नंबर एक हो गया पूरे देश में तो क्राइम कितना बड़ा है बहुत सारे आंकड़े कल भी दिए थे हमने जी जी हम तो तो उस पर भी आएंगे मुझे ये बताइए कि आपने कहा आपने जब प्रेस वार्ता की

जो दो हजार चौदह में सात साल तो बीजेपी के हो गए जी, दो साल गठबंधन की सरकार को हो गए दो दो हजार चौदह में जो वायदा किया था कि स्वामीनाथन का सी टू फार्मूले पे जी, 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 आ, के, स, आ, किसान को मिलेगी क्या हुँ, वो मिल गया जी, जो वायदा किया था भाई बेरोजगार उसको 6000 हजार हम देंगे क्या मिल रहा है और जो इन्होंने वायदा किया था बुजुर्गों की पेंशन ये क्या देंगे दो साल पहले गठबंधन सरकार क्या मिल रही है क्या इन वायदा क्या था हम जो है एमएसपी को कानून बनाएंगे इसमें जे पार्टी के मैनिफेस्टो में है और वो करेंगे सब्सिडी देंगे वो उनको देंगे बोनस देंगे या सौ रुपये के हिसाब से देंगे मतलब एक भी वायदा आप कह नहीं सकते आप उठा के देख लें पिछले कुछ दिनों से हमारे पास तस्वीरें कुछ ऐसी आई हैं कि अनाज मंडियों में पूरा मतलब तालाब बना पड़ा है वहां पे अब व्यवस्था बहुत ज्यादा दिख रही है जबकि कृषि मंत्री लगातार बार बार मुख्यमंत्री खुद बार बार ये कह रहे हैं कि मंडियों में अभी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि बार बार दौरा करना वहां जाके अधिकारियों का देखना तमाम चीजें चल रही है तो अब किसानों को समस्या नहीं आएगी लेकिन जो धरातल पर दिख रहा है जो तस्वीरें हमारे पास आ रही है वो ऐसी नहीं है क्या कहेंगे आप नहीं मैम बताया ना आपको आज क्या है जिस प्रकार से बारिश आ रही है जी जो धान की फसल खड़ी है वो भी खराब हो गई और जो कट के मंडी में आई है वो भी बर्बा, बर्बाद हो गई जी बिल्कुल तो ये अब मैं तो नहीं कह रहे तो अखबारों में तस्वीरें आई हैं तभी हमने मंडियों से तो फिर कैसे को दिखता मेरे को भी है ना उनको भी दिखना चाहिए जिनकी आप बात कह रहे हैं कि भाई क्या स्थिति है आज आज बाजरे की सारी फसल खराब हो गई जी आज कपास बिल्कुल बर्बाद हो गए तो ये कहें कम्पनशेषन की बात अब तक गिरदावरी करके और कंपनसेशन बाहर चाहिए था किसान ले को लेकिन कोई ऐसा बा, बात नहीं हुआ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम ज़्यादा गया हुआ है कंपनसेशन कम मिला है किसानों को ये आपके सामने है जी। तो किसान का तो हर हिसाब से मतलब आज परेशानी में है अच्छा गन्ने का नारायणगढ़ शुगर मिल अकेली शुगर मिल का बिल्कुल एक सौ पाँच करोड़ रुपया देना है वो नहीं दे रहे बल्कि मिल बंद करा दी क्या जरूरत में मिल बंद करने की एक करोड़ रुपया वहां देना है और जैसे मैंने कहा जो मंडी में पी आर चौदह का एमएसपी भी, भी नहीं मिल रहा पंद्रह सौ कुछ बिक रहा है जबकि उन्नीस रुकने एक से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जारी है हुड्डा जी के साथ हमारी बातचीत तमाम मुद्दों पर प्रदेश की तमाम समस्याओं पर हुड्डा जी के साथ सवालों का सिलसिला जारी रहेगा बने रहिए हमारे साथ कृषि मंत्री ने गुरुवार को प्रेस वार्ता की जब आपने प्रेस वार्ता की उससे ठीक पहले और उन्होंने ये दावा किया आ, हमारे पास सारे नोट्स भी हैं उन्होंने कहा कि आ, अब तक जितना किसानों के हित में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने फैसले लिए और उन्होंने कुछ आ, हमें कुछ आंकड़े भी दिखाए आपने भी देखा ही होगा बाद में नहीं मैं तो देखा अच्छा चलिए मैं बता देती हूँ कि उन्होंने कुछ एक आंकड़े पेश किए और जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके इस तरीके से किसानों को पेमेंट की जा रही है और जो खराब हुई फसलें हैं उनका मुआवजा पहली बार ये मैं ज़रूर आप कोट करके बताना चाहूंगी जेपी दलाल का कहना है कि खराब फसलों के हर जाना या मुआवजा जो है वो इस सरकार ने पहली बार दिया है इससे पहले सरकारी की सरकारें जिसमें आपकी भी गवर्नेंस शामिल था उस उन्होंने नहीं दिया था आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे देखिए हमारे हाँ. समय में मुआवजा दस हज़ार रुपये प्रति एकड़ मिलता था समझे उसके बाद केंद्र सरकार ने हाँ। डेढ़ गुना कर दिया तो पंद्रह हजार होना चाहिए था इनने किया बारह हजार उसमें भी कटौती कर दी जो इनको कुछ नहीं देना था इन अपना शेयर जो है ये हरियाणा की ऐसी पहली सरकार है जिसने अपना शेयर नहीं दिया केंद्र ने मतलब डेढ़ गुणा कर दिया हाँ, केंद्र तो, वाला उन्होंने तो, तो, तो पंद्रह हजार होना चाहिए हजार का तो ये क्या बात कर रहे हैं ये तो बस बातें तो कुछ भी करते रहे लेकिन किसान अगर इतने किसान इतेशी हैं ये तो किसान क्यों इससे मुकर क्यों जगह जगह मंडी में हड़तालें हो रही हैं क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं क्यों नहीं जाके जा लोगों से बात करें करें लोगों में गांव में जाएं मंडियों में जाएं क्यों नहीं जा रहे वही तो आपके सामने जी हम थोड़ा सा किसान आंदोलन पर भी आ जाते हैं क्योंकि किसान की बात कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर सर लगातार गठबंधन सरकार जो है वो सीधे सीधे कांग्रेस पर हमलावर है ये आपको भी पता है और कहीं ना कहीं आप पर ही आरोप लगते हैं कि आप लोगों को इंस्टिगेट करते हैं आप प्रवोक कर रहे हैं आपकी पार्टी जो है वो किसानों को बरगलाने का काम कर रही है ऐसा ऐसा आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर लगातार लग रहा है सरकार की तरफ अपनी विफलताएं छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगाना बड़ा आसान है दे कोई कोई कहीं दे बरगलाने का काम है हमारा बरगलाने का काम है हाँ जो मांग ले आए हैं उनका समर्थन है पहले भी और मैं हमारी हमारी पार्टी नहीं पूरे देश की जो विभिन्न पार्टियां हैं विपक्षी सभी, सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया है क्योंकि एमएसपी जो है वो किसान के लिए जरूरी है नहीं तो जैसे अब एमएसपी नहीं मिल रही तो ये आरोप लगाना बहुत मतलब आपके मुताबिक ये आरोप है बताओ जिसका ना क्योंकि जो ये आंदोलन चल रहा है इसका नेतृत्व तो कौन कर रहा है कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा बिल्कुल। वो किसी राजनीतिक नेता को वहां जाने नहीं देते बात करने की अपनी विफलता क्यों क्योंकि उसका समाधान नहीं निकाल पाए आज हरियाणा में क्यों बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं इन्होंने कहीं लाठीचार्ज कर दिया कहीं खड्डे खोद दिए नहीं तो अपने जाते दिल्ली में अपनी बात रख के आ जाते वापस तो ऐसा क्या जो ये विफलताएँ हुई इनको छुपाने के लिए इनको चाहिए तो ये आज भी हरियाणा की भूमि बैठे हैं ये बातचीत शुरू कराए क्या इसका हर हर समस्या का समाधान वार्ता द्वारा ही करनाल विचार तो आदान प्रदान और फिर समाधान जी बिल्कुल समाधान निकालने की बजाय दोषापरण पर लगे हुए हैं भाई हम यही कह रहे हैं भाई तो बात बातचीत शुरू करो इतने दिन हो गए ताकि उनका समाधान निकालो सम्मान सरकार तो कह रही है सर, बात तो करना चाहते हैं वो लोग बात करना नहीं चाहते और उसके नहीं बात जिस दिन सरकार बुलाई जाएंगे वो तो देखिए हम तो कोई राजनीतिक दल तो उनका सम, करने रहा। उनको जाना है, लेकिन जी जी अब हम थोड़ा सा इन चीजों पर बात कर लेते हैं जो आपने प्रेस वार्ता के दौरान जो मुद्दे उठाए अपराध का मुद्दा आपने बड़े ब्लंटली कल उठाया और आपने कुछ आंकड़े पेश किए हमारे सामने वो थोड़ा सा बताएं क्योंकि मैं इसलिए ये जानना चाहती हूँ क्योंकि सरकार का दावा इससे कहीं ना कहीं उलट है वो कह रही है अपराध में कमी आई है जबकि आपका ये कहना है कि अब अपराध के मामलों में पहले से कहीं ज्यादा कई कही गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है तो किस आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं मैंने दावा ये किया था स्टेट्स में आज देश में कौन सा नंबर पे अपराध में किस अपराध में कौन सा नंबर हमारा अच्छा आपके पास आंकड़े भी है हाँ मैं बता देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल जी देखिए हरियाणा क्राइम रेट में हुँ. पूरे देश में चौथे नंबर पर है ठीक है यहाँ ये मेरा नहीं है हुँ. ये तो एन सी आर बी की रिपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल और मर्डर में डेली तीन या चार मर्डर होते हैं ठीक है हरियाणा दूसरे नंबर पर है मर्डर रेट में अच्छा पूरे देश में झारखंड हमारे से ऊपर है दूसरे नंबर पर हरियाणा ही है थ्री पॉइंट नाइन पर लैक इसी प्रकार से किडनेपिंग और अबडक्शन में जो है आठ केस रोज होते हैं हमारे हरियाणा में किडनैपिंग और अबडक्शन अबडक्शन ओके तो थीके? ये पूरे देश में सेकंड पोजीशन पे हरियाणा हरियाणा दूसरे अच्छा. नंबर पर है ये ताजा आंकड़े आप बता रहे हैं हम है? ताजा आंकड़े आप ताज़ा बता रहा हूँ इसके जी एनसीआरबी के जी. और इसी प्रकार से हरियाणा थर्ड पोजीशन में है क्राइम अगेंस्ट वुमन में पूरे देश में इतनी बड़ी-बड़ी प्रदेश हैं फिर भी हम बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है लेकिन हम थर्ड पोजीशन पर ही बड़े शर्म की बात है इसी प्रकार से रेप केसेस में जो है क्राइम रेट टेन हरियाणा इज सेकंड इन हरियाणा हाँ, सेकंड इन कंट्री जी बिल्कुल बिल्कुल तो दूसरे नंबर पर है हाँ, हाँ। इसी प्रकार से जो है जो केसेस हैं हाँ। दो में थेफ्ट के हाँ। वो सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जारी है हमारी हुड्डा जी के साथ बातचीत बने रही हमारे साथ सर करनाल का जो लाठी चार्ज का मामला था जिस पे एसडीएम पे कार्रवाई हालांकि अब आ, मतलब जांच बिठा दी गई और वो छुट्टी पे भी चले क्या आपको लगता है कि समय पर ये कार्रवाई हुई या लेट हुआ जैसा कि आप लोगों की तरफ से कहा नहीं लेट गया? हुए हम तो शुरू में ही मांग रखी हाँ, थी अच्छा क्योंकि जिस प्रकार से वीडियो आया था एक अधिकारी जी, का जी, जी, बिल्कुल। तो वो काफी शक की वो खड़ी करी उन्होंने शक की नजर देखा कोई भी उसी टाइम मैंने कहा था कि तो जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए इसकी जी जी सच बात सामने आनी चाहिए और इस प्रकार का वीडियो आया है वो मान लो अधिकारी ये कहते डॉक्टर्ड है डॉक्टर्ड है नहीं है असलियत क्या है जी जी, तो, तो जुडिशियल इंक्वायरी से पता लग गया और वो किसान कह रहे हैं हम तो चुपचाप बैठे प्रदर्शन कर रहे थे विदाउट एनी प्रोवोकेशन हमारे पर लाठीचार्ज किया तो जुडिशल इंक्वायरी की मांग की थी खैर इन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी कि वो परसों कैबिनेट में पास किया है और अग्रवाल साहब को रिटायर्ड हमारे हाई कोर्ट के जज हैं उनको जुडिशल इंक्वायरी सौंपी है मेरे को उम्मीद है भाई न्याय मिलेगा लेकिन ये बात ठीक है लेट इन्होंने किया उससे पहले तो हाई कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दे रखा है जी एक केस में हाँ। कि सारा दोष किसानों पर डाल रखा है अधिकारी का कहीं दोष मान ही नहीं रहे तो क्या कह सरकार से क्या आप उम्मीद रखोगे इंसाफ की लेकिन क्योंकि उनके ऊपर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जा हैं उन तो पर मैं विश्वास करता हूँ जी वो सही तय तक जाएंगे और मतलब दूध का दूध पानी का पानी वो करेंगे जी बिल्कुल नंबर वन हरियाणा का जो तमगा था सर जो कभी एक टाइम पे बड़ा मशहूर था आपके जमाने में तो नंबर वन हरियाणा काफी फेमस था तो अब वो आपको क्या लग रहा है कि नंबर वन हरियाणा का तमगा कहीं ना कहीं गुम हो गया है या ये शायद जैसे आप कह रहे हैं कि कुशासन की वजह से कहीं ना कहीं उस पर एक दाग लग चुका है क्या लग रहा है आपको क्या परिस्थितियां हैं फिलहाल हरियाणा की नंबर वन अभी है हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन है जी और बहुत सारे आप मैंने मैंने बताया आपको क्राइम में कई उसमें भी नंबर वन है पहले ये बात दूसरी पहले नंबर वन था प्रति व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति निवेश में और मतलब बेरोजगारी में भी जो है बहुत था जी। अच्छे स्थिति में था अब बेरोजगारी में नंबर एक हो गया जी। तो नंबर दूसरी तरफ तो से नंबर नंबर एक तो है जी। <laughs> सर आगे उपचुनाव वगैरह भी आने वाले हैं जैसे तो उस पर आपको अब चूंकि अब विपक्ष आपके समक्ष लेके यार अब जा भी रहे हैं तो उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल बनता है कि आगे उपचुनावों को आप किस तरह से देखते हैं और उसके लिए आप कि मतलब कांग्रेस की अगर मैं बात कहूँ कि कांग्रेस की जमीन आपको कितनी तैयार दिख रही है यार यार तो एक ही है? हाँ, एक ही ही उपचुनाव उपचुनाव है हाँ, है लेकिन वो भी कहीं कांग्रेस जीतेगी अच्छा हाँ? किस किस आधार पर आपका चूंकि लोगों आप, लोगों मन बन चुका है अच्छा हाँ, लोगों मन बन चुका है आपने मतलब जन जनभावनाएं जो है आपने टटोली हैं उस पर आपको लग रहा है जी 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 बिल्कुल तो बस मेरा लास्ट सवाल आपसे यही है किसानों को लेकर ही है क्योंकि आप किसानों को लेकर कांग्रेस सबसे ज़्यादा मुखर है और शायद इसी वजह से वो सवालों के घेरे में भी बार बार आ रही है कि आप क्यों बार बार उठ के बार बार किसानों के लिए बोलते हैं तो अब मेरा सवाल ये है कि चूंकि सरकार तो ये कह रही है कि हम देखो भाई बातचीत के लिए तैयार हैं नरेंद्र तोमर भी बार बार कह चुके हैं कि आके हमसे बात करें हम बात के लिए तैयार हैं हरियाणा सरकार भी बार बार कह रही है नहीं मेरा सवाल पूरा हो जाए पहले तो आ, कह रही है लेकिन अब उनका ये कहना है कि, कि आ, किसान जो है वो खुद हमसे बात करना नहीं चाहते कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव है या ब्रेन वॉश किया जा रहा है उनका या जो भी है तो अब इसका नतीजा क्या निकलने वाला है आगे लेकिन मैं तो मैं तो अखबारों में पढ़ता हूँ जी कि कोई भी वार्ता हो वो खुले मन से की जाती है कंडीशन लगा के नहीं की जाती हम ये नहीं मानेंगे और बात बताओ तो इसका है? क्या निकलेगा सर तो आगे? इसका नहीं ये सरकार को चाहिए आप सुझाव देना सरकार को चाहिए हाँ। सुझाव देना चाहिए हाँ। अपना हाँ। रोल प्ले करना चाहिए भाई इनको बिठाए वार्तालाप कराएं वार्ता करेंगे तो समाधान जरूर निकलेगा जी 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 आपको लगता है कि आगे आने आने वाले समय में अगर इनसे बातचीत शुरू करनी चाहिए और बातचीत करके सम्मान पूर्वक समाधान निकालना चाहिए जी जी बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चाहे वो समस्याओं की बात करें चाहे वो सरकार के दावों की बात करें तमाम मुद्दों पर खुलकर हमसे बिंदास तरीके से बातचीत की उम्मीद है आपको अपने सवालों के जवाब इसी के जरिए जरूर मिले होंगे इजाजत दीजिए नमस्कार